हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम हो गया है 10:15 एंड नव्या जा रही है आज स्कूल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हैं नव्या के स्कूल जाने से। कैसा लग रहा है नव्या आपको? मास्क नीचे करो। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, हम स्कूल जा रहे हैं आज। कनिष्ठ को देखो कितना एक्साइटेड है, जल्दी से इसके भी स्कूल खुल जाएं। बस तो चलते हैं, नव्या लेट हो रही है, नव्या को स्कूल छोड़ के आते हैं। चलिए। पहला दिन है स्कूल का और मैं लेट हो चुकी हूँ ऑटो वालों के चक्कर में। अभी नव्या के फोन का फायदा उठाते हुए कनिष्क एंड अपना फेवरेट सौरभ जोशी ब्लॉग्स देखते हुए नव्या को छोड़कर मैं आ चुकी हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कनिष्क देख रहा था सौरभ जोशी व्लॉग्स। गाइज, मुझे आपको बताना था, सौरभ जोशी व्लॉग्स हमारे फेवरेट हैं और उन्हीं को देखने के बाद हमने सोचा है व्लॉग्स बनाने के लिए, क्योंकि वो हमारी इंस्पिरेशन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब तक मैं उनका व्लॉग ना देख लूँ तब तक दिन की शुरुआत ही नहीं होती। ऐसे ही कनिष्क है और ऐसे ही इसके डैडी हैं। तो अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज ब्रेकफास्ट में है चाय, नमकीन एंड बिस्किट। तो अभी मैं और कनिष जा रहे हैं नव्या को लेने के लिए। वेदर बहुत ही अच्छा हो गया है, तो वापस आते हुए हम पैदल आएंगे। अभी तो हम रिक्शे पे जा रहे हैं जल्दी जल्दी। ले लिया है, बट बारिश हो रही है तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं। तो कैसा रहा नव्या आपका फर्स्ट डे, बताओ थोड़ा। आज फर्स्ट डे बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट डे था तो इतनी पढ़ाई भी नहीं हुई। फर्स्ट पीरियड मैम ही नहीं आई थी और सेकंड पीरियड में आई थी, थर्ड पीरियड में आई थी। बस 3 ही पीरियड लग रहे हैं अब, 10 से 1 बजे तक का स्कूल है बस। छुट्टी हो गई और अब इतनी बारिश पड़ रही है कि हम एक जगह पे खड़े हुए हैं। हम आपको आपके साथ हम व्लॉग बना रहे हैं। हाँ। बहुत देर हो गई हमें यहाँ खड़े हुए और ना ही हमें कोई ऑटो खाली मिल रहा है, ना रिक्शे पे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं जाने का। इन्हें देखो, अंकल ने हमें यहाँ पे खड़े होने के लिए बोल दिया, बारिश से बचा दिया अंकल जी ने। तो अभी हमें यहाँ ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है, बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं। ऑटो मिल जाए तो हम भी बस घर जाएं। और भी तेज़ हो गई फिर से, अभी तो थोड़ा धीरे हो गई थी बारिश, अभी फिर से तेज़ हो गई है। अपना फ़ोन इस तरीके से यूज़ कर रही है जैसे सालों से इसने अपना फ़ोन यूज़ नहीं किया है। तो हम नव्या को लेकर घर आ चुके हैं, ऑटो मिल गया था हमें। आधा घंटा वेट करने के बाद ऑटो मिल गया था और आके फिर हमने नहाया, तीनों ने कपड़े चेंज कर लिए ताकि कोई गीले कपड़े से बीमार ना हो जाए। तो अब करते हैं लंच की तैयारी। आज बन रहे हैं घिया के कोफ्ते। लेट हो गए आज लंच में, 2 बज चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से मैं बनाती हूँ घिया के कोफ्ते एंड रोटी। लंच इज़ रेडी गाइस। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 3 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 3:15 ही हो गए हैं। तो अब हम करते हैं लंच, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, टाइम हो रहा है अभी 6:30। अभी उठे हैं हम और बन रही है चाय।
पूजा मैंने कर ली है। चाय बन रही थी और दूध फट गया, अब मैं दूध लेने जा रहा हूँ। हम चाय पी चुके हैं एंड नव्या पी रही है दूध विद हर फेवरेट नमकीन, खट्टा मीठा नमकीन। सो गाइस, टाइम हो गया है 9 और डिनर हमारा रेडी हो चुका है। डिनर आज नव्या ने बनाया है, दाल एंड चावल मेड बाय नव्या। टाइम हो चुका है 10, डिनर हम कर चुके हैं एंड बारिश की वजह से 2 दिन से हम कहीं भी बाहर नहीं जा पाए हैं, घर में ही बस थोड़ा बहुत जो ब्लॉग हम कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। बाकी होप्स हो, अगर कल मौसम ठीक रहेगा तो कुछ प्लान है, वो आपको कल वाले ब्लॉग में ही पता चलेगा, तो कल वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा गाइस। एंड अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय, गुड नाइट।